पातन यंत्र। पातन यंत्र जो कि तीन प्रकार का बताया गया है, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यक पातन। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्वपातन देखते हैं। ऊर्ध्वपातन यंत्र में हम दो पात्र लेते हैं, पात्र एक, पात्र दो। पात्र एक को हम भट्ठी पर रख देते हैं। भट्ठी पर रख करके उसमें हम औषध द्रव्य रख देते हैं। उसके बाद हम दूसरे पात्र, जिसका पृष्ठ भाग 16 अंगुल विस्तृत होना चाहिए और उसके ऊपर एक जल आधार जिसमें कि जल भरा जा सके, जिसकी लंबाई 10 अंगुल, चौड़ाई 8 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल होनी चाहिए, ऐसा जल आधार बना करके हम दूसरे पात्र के पृष्ठ तल पर रख देते हैं। फिर दूसरे पात्र को हम पहले पात्र के मुख में इस तरह फिट करते हैं कि पूरी तरह से ये बैठ जाए और हम संधि बंधन कर देते हैं। संधि बंधन हम महिष दुग्ध, गुड़, चूना इत्यादि से करेंगे। फिर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो औषध द्रव्य वाष्प के रूप में दूसरी पात्र के तली पर जाकर के चिपक जाएगा, जो कि निर्मित औषधि होगी। कार्य क्या है इस यंत्र का? पारद का ऊर्ध्वपातन, अन्य औषधियों का ऊर्ध्वपातन। हमें सावधानी क्या बरतनी है? संधि बंधन ठीक से होना चाहिए, नहीं तो औषध द्रव्य बाहर निकल जाएगा। और जल आधार में समय समय पर जल, जब ये जल गर्म हो जाए तो इसको हम बदल करके ठंडा जल इसमें डाल देंगे। यही है ऊर्ध्वपातन यंत्र। अधःपातन यंत्र, इसमें हम जमीन के नीचे का हम गड्ढा खोदते हैं और उसमें हम एक पात्र को हम इस प्रकार अच्छी तरह से रख देते हैं जो कि इधर उधर ना लुढ़के, और उस पात्र में हम जल भर देते हैं। फिर एक दूसरा पात्र, पात्र दो, उस औषधि का हम लेप लगा देते हैं उसकी तली पर, जिसका हमें अधःपातन करना होता है। फिर उसके बाद पात्र दो को पहले पात्र के मुख में अच्छी तरह से फिट कर देते हैं और संधि बंधन कर देते हैं। उसके बाद पात्र दो के चारों तरफ उपले लगा करके अग्नि को हम प्रज्वलित कर देते हैं। इससे क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित होगी तो जो औषध द्रव्य है, जिसे कि हमें अधःपातन यानी ऊपर से नीचे की ओर जाना है, वो अग्नि के द्वारा वाष्पित होकर के वो नीचे की ओर, जो कि पात्र में जल भरा है, नीचे की ओर आ करके वो उसकी तली पर इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हमें निर्मित औषधि के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमें अधःपातन यंत्र का कार्य क्या है? पारद आदि द्रव्यों का अधःपातन। सावधानियां क्या रखनी है? संधि बंधन दोनों पात्र के बीच में बिल्कुल ठीक से होना चाहिए, जो कि गोदुग्ध, मंडूर, गुड़, चूना इत्यादि से अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। दूसरी सावधानी, हमें औषधि को पात्र दो से तभी निकालना है जब ये पूरी तरह से स्वांग सीत हो जाए। स्वांग सीत यानी अपने से ठंडा हो जाए। यही है अधःपातन यंत्र, तिर्यक पातन यंत्र। तिर्यक पातन यंत्र, इसमें हम एक पात्र लेते हैं, उसमें हम औषध द्रव्य को रखते हैं। एक दूसरा पात्र लेते हैं जिसमें कि हम आधा जल भर लेते हैं। फिर पहले पात्र को भट्ठी पर रख करके दूसरे पात्र को जमीन पर रख करके उसे हम एक नली के द्वारा जोड़ देते हैं। फिर पहले पात्र और दूसरे पात्र के मुख पर
एक ढक्कन रख करके संधि बंधन कर देते हैं, दोनों घड़ों को पात्रों को जोड़ने वाले नली को भी अच्छी तरह से संधि बंधन कर देते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो जो औषध द्रव्य है वो वेपर के फॉर्म में आएगा और नली के द्वारा दूसरे पात्र में जिसमें कि जल है ठंडा होने के कारण उस पात्र में जाकर के वो इकट्ठा हो जाएगा और औषध द्रव्य का निर्माण होगा। इसे हम तिर्यक पातन यंत्र कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इससे हम पारद का तिर्यक पातन करते हैं और अर्घ का निष्कासन करते हैं। जब हम अर्घ का निष्कासन करेंगे तो इसकी नली पर हम गीला कपड़ा लपेट देंगे और जो दूसरा पात्र है इसमें जो कि जल है उसको हम निकाल लेंगे और अर्घ निष्कासन करने वाले सुगंधित द्रव्य को हम इस पहले पात्र में रखेंगे और अग्नि देंगे, जिससे कि जो औषध द्रव्य का वेपर के फॉर्म में आएगा वो नली के द्वारा दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। सावधानियां, जब हम पारद का तिर्यक पातन करेंगे तो तीव्र अग्नि का प्रयोग करेंगे और संधि बंधन ठीक से होना चाहिए। ढक्कन जो स्राव लगाया गया है वो संधि बंधन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, जहां से नली जोड़ी गई है वहां पर भी संधि बंधन ठीक से होना चाहिए। यही है तिर्यक पातन यंत्र, बालुका यंत्र। इसमें हम एक पात्र लेते हैं, पात्र को लेकर के उसे हम भट्टी पर रख देते हैं, फिर उसमें हम एक कांच कुपी जो कि एक तिहाई औषधि से भरी होनी चाहिए और कांच कुपी 7 कपड़ मिट्टी युक्त जो कि 1 अंगुल मोटी होनी चाहिए, उसको लेकर के हम पात्र की तली पर रखने से पहले 2 अंगुल बालुका यहां पर हम बिछाते हैं, फिर उसके बाद हम कांच कुपी को रख देते हैं। कांच कुपी रखने के बाद हम कांच कुपी के गर्दन तक बालुका भर देते हैं। बालुका भरने के बाद उसमें भट्टी में हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। यह कहलाता है बालुका यंत्र। इसका कार्य क्या है? कूपी पक्व रसायन निर्माण। बालुका यंत्र से हम कूपी पक्व रसायन का निर्माण करते हैं। सावधानियां, हमें बालुका यंत्र में क्रम से मृदु, मध्यम और तीव्र अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। कांच कूपी में कपड़ मिट्टी 7 कम से कम होनी चाहिए और कांच कूपी की तली में यानी जहां हम रखेंगे वहां पर 2 अंगुल बालुका जरूर होनी चाहिए। हमें इन सावधानियों का ध्यान रखना है। यही है बालुका यंत्र। पालिका यंत्र, चषकम वर्तुलम यानी एक गोली कटोरी, गोली कटोरी, लोहम जो कि लौह की होनी चाहिए, विनिता अग्र ऊर्ध दंडकम उसमें एक लोह दंड जो कि ऊपर की ओर मुड़ा हो कटोरी से जुड़ा होना चाहिए। एतदि पालिका यंत्रम, इसे हम पालिका यंत्र कहते हैं। इस पालिका यंत्र में हम औषधि को रख करके उसे भट्टी पर रख देते हैं। बलि जारण हेतुवे, बलि यानी गंधक के जारण के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। यह यंत्र रस रत्न समुच्चय अध्याय 9 में बताया गया है। इसका कार्य क्या है?
गंधक का जारण, पर्पटी का निर्माण। सावधानियां, हमें पालिका यंत्र में जब औषधि रखेंगे तो मध्यम अग्नि का प्रयोग करना है। भूधर यंत्र, बालुका गूढ़ सर्वांग गर्ते, गर्ते यानी जमीन के अंदर एक गड्ढा। क्या करते हैं हम, जमीन के अंदर हम एक गड्ढा बनाते हैं, फिर उस गड्ढे में हम बालुका भर लेते हैं। बालुका गूढ़ सर्वांगा, बालुका भर करके आधा, फिर उसमें हम औषधि युक्त मूसा जो कि अच्छी तरह से संधि बंधन युक्त होनी चाहिए उसको रख करके मूसा रसान्विता पारत आदि औषधि युक्त दीप्त उपले मूसा रखने के बाद जमीन के स्तर तक सतह तक बालुका भर देते हैं। बालुका का स्तर जमीन से मिलना चाहिए, फिर उसके ऊपर उपले रखेंगे हम और अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। समृणु याद यंत्रम तद्भूदर हियम, यह यंत्र जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके बनाया गया है, इसीलिए इसे हम भूधर यंत्र कहते हैं। यह रस रत्न समुच्चय अध्याय 9 से लिया गया है। इसका कार्य क्या है, पारद आदि द्रव्यों का जारण। जारण में हम इसको निर्धूम जारण भी, अंतर्धूम जारण कह सकते हैं। सावधानियां, संधि बंधन मूसा का ठीक से होना चाहिए और अग्नि तीव्र होनी चाहिए। अगर तीव्र नहीं होगी तो यह बालुका को गर्म नहीं कर पाएगा और मूसा को हम तब निकालें जब यह अच्छी तरह से स्वांग शीत हो जाए। बालुका स्वांग शीत हो जाए, अपने आप ठंडी हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। यही है भूधर यंत्र।